हेलो दोस्तों, 7 दिनों में 7 डे स्ट्रेटजी लेके आया हूं मैं। जीआईबी फर्स्ट पेपर यानी पीपीबी को कैसे पास करें 7 दिनों में। तो ये स्ट्रेटजी 7 दिनों की इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिला। 1 महीने में लगभग 3ों एग्जाम खत्म होने वाले हैं, 1 महीने से भी कम समय बचा है। तो मैं ये जो टॉपिक है इसमें 7 दिनों में पीपीबी का पेपर फर्स्ट पेपर पास कैसे करें इसको बताऊंगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जब आपका पहला पेपर निकल जाता है तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है बाकी रेस्ट 2 पेपर को करने में। सेकंड चीज, ये पेपर एक ऐसा है अगर आप इसमें 60 मार्क्स ले आए तो वहाँ पे 45-45 से भी काम आपका चल सकता है जो लोग सिंगल अटेम्प्ट में ये पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। तो इसमें इस स्ट्रेटजी में हम बताएंगे कि वो कौन से टॉपिक हैं जिनको एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर पढ़ लें, उन मस्ट रीड टॉपिक, इन टॉपिकों को जरूर करना। देखिए, जब हम 7 दिनों की स्ट्रेटजी बता रहे हैं तो ये डेफिनेट है कि 7 दिनों में बुक कंप्लीट नहीं हो सकती। बुक के लिए तो कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए अगर आपको कंप्लीट करना है। तो उन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और ये जो भी टॉपिक हैं इन टॉपिकों को बात करने के लिए हम जो बुक का सिलेबस है, जो आपका मॉड्यूल सिस्टम है, उस मॉड्यूल से बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 5 मॉड्यूल हैं ABCDE, जो ई मॉड्यूल है कई लोगों की पुरानी बुक में हो सकता नहीं हो एथिक्स वाला, लेकिन उसको आपको पढ़ना है क्योंकि कुल मिला के 5 मॉड्यूल हैं। और इन 5 मॉड्यूलों में एक एक मॉड्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ मॉड्यूल ए में, वो कौन से टॉपिक हो जिसको पढ़े बिना आप एग्जाम देने मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप वो भी नहीं पढ़ के जाओगे तो एग्जाम देने काहे के लिए जा रहे हो। ठीक है, ये वो मस्ट टॉपिक हैं जिनमें से एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं तो हो सकता है उसमें से कुछ पार्ट सेकंड और कुछ थर्ड में आए, या जब आप जेआईबी कर लेंगे तो इसमें से कुछ पार्ट आपका सीएआईबी में भी बहुत काम आने वाला है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर आपने करना है। तो पहला टॉपिक है बेसिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे ये लगता है कि बेसिल में से 4 to 5 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, अदरवाइज आपका सीआईबी में तो बेनिफिट मिलने वाला ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एलसी। एलसी भी सेम इस तरह का टॉपिक है, 2 से 3 मार्क्स यहां आ सकते हैं और उसके बाद सीआईबी में। अगला टॉपिक है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट का। देखिए, ये जो 3 टॉपिक मिला करके भी है आपको 3 to 4 मार्क्स ये भी दे सकते हैं। आपका जो मर्जर वाला है बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है, उसमें 1 से 2 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। और सिविल और BCSBI ये भी आपको 1 से 2 मार्क्स दे सकता है, छोटे टॉपिक हैं। तो मैंने ये जो टॉपिक चूज किए हुए हैं इन टॉपिक से आप चाहें तो 15 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हैं सिर्फ इन टॉपिक से। अगर आप और पढ़ेंगे तो हो सकता है 4-5 मार्क्स और आपके आ जाएं। तो कुल मिलाकर के ये मॉड्यूल ए का स्ट्रेटजी है, इन टॉपिकों को पढ़े बिना मत जाइएगा। अगर पढ़ने का समय नहीं है तो इनके सबके वीडियो YouTube पर और मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स में बहुत अच्छे बने हुए हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मॉड्यूल बी पर। अगर मॉड्यूल बी की बात करें तो ये टॉपिक हैं जिनको आपको जरूर पढ़ के जाना है, जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन और कोपरा। कोपरा का मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको थर्ड पेपर में भी पैरेलल बेनिफिट देगा, इसलिए इसे ढंग से पढ़िए। ओपनिंग ऑफ अकाउंट की बात करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसमें से भी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछली बार तो इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन भी आ गए थे आपके। तो फिर भी आप ये मानिए कि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस या जो एग्रीकल्चर एडवांसेस को मिला करके इसमें से आ सकते हैं। और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस है, इस प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस में अगर आप बात करें तो एक तो जैसे एग्री का है, एग्री के बाद MSME, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन दोनों को करके जाइए। MSME में इस बार चेंज हुआ है तो जरूर ढंग से पढ़ के जाइएगा, पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां रखा होगा। और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी चार्जिंग का टॉपिक है, जो लीगल में भी आपके काम आने वाला है, जिसमें सिक्योरिटी कैसे ली जाती है और उनकी चार्जिंग यानी उनको लीगली कैसे बैंक रखता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से 10 से 12 मार्क्स आपको यहाँ पे बिल्कुल श्योरली मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल सी और डी की। देखिए, मॉड्यूल और सी और डी में मैंने यहाँ कोई टॉपिक नहीं लिखा है, इसलिए टॉपिक नहीं लिखा है कि आप क्या करें, सिर्फ मेरे 3 या 4 वीडियो मॉड्यूल सी में बने हुए हैं उनको देख लें, ऐसी मॉड्यूल डी में भी 4 वीडियो बने हुए हैं। अगर आप ये दोनों वीडियो देखते हैं तो इन 2 मॉड्यूल से जो 25 मार्क्स का
करीबन आपको श्योरली क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कई बार मेरे पढ़ाए हुए जो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर जितने एग्जाम्स जब भी होते हैं तो मैं जो 1.5 या 2 घंटे की लाइव क्लास एक साथ लेता हूं उसमें से कई क्वेश्चन सीधे सीधे 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। और वो इन दोनों टॉपिक में भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो छोटे से टॉपिक में कवर करके बनाए गए हैं। पूरा पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है पढ़ने की ज़रूरत का, मतलब ये मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ पढ़िए नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़ के जाइए, बिना पढ़े जाने से अच्छा है पढ़ के जाइए। लेकिन अगर आप 7 दिनों में पास होना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ को इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो नया वाला मॉड्यूल जोड़ा हुआ है, मॉड्यूल ई। देखिए इसको पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है। अगर आप समय निकाल पाते हैं तो जो इस मॉड्यूल ई में से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या है एक अलग तरह का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट की बातें नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, आपके साइकोलॉजी को रीड करने का एक कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो जो भी टॉपिक पढ़ें 2-3 बार पढ़ें, यह हमारे वीडियो देख लीजिए आप, उसमें समराइज करके बताया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, नया मॉड्यूल है, इसके टॉपिक आपको बिल्कुल नए लगेंगे। हाँ अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो हेडिंग्स हैं उनको आप हाईलाइट करके मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा नहीं आता है तो इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, 7 दिन ढंग से पढ़ लीजिए, सुबह 3 घंटा शाम 3 घंटा आपका जितना भी मैंने ये टॉपिक्स लिखवाए हैं वो हो जाएंगे। उसके साथ जो फ्री लाइव क्लास चल रही हैं उनको ले लीजिए, आपका ये पेपर बिल्कुल 100% निकलेगा। इस पेपर में बहुत अच्छी मेहनत करिए क्योंकि यही पेपर का बेनिफिट आपको 2nd और 3rd में भी मिलता है, चाहे आप मोटिवेशन के रूप में ले लीजिए, चाहे आपका जो नॉलेज बढ़ता है वही उसी में से कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस आपके 3rd पेपर में भी डायरेक्टली आते हैं, जैसा मैंने अभी स्ट्रेटजी में बताया था। और इसी के साथ मेरी आप सबको शुभकामनाएं, और जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ऑफर एक्सटेंड कर दिया है, उस मोबाइल एप्लीकेशन के कोर्स में समराइज है, आप एक ही जगह में जाके पूरी चीजें देख सकते हैं। जो आप रीडिंग 6 घंटे में करेंगे उस रीडिंग को हमने समराइज करके 1.5 से 1 घंटे में उस टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो इसी के साथ मेरा दोबारा से आपको बेस्ट ऑफ लक।